नेक्स्ट है आपका आज टॉपिक है हमारा इंटरप्ट 8085 में कौन कौन से इंटरप्ट हैं, किस तरीके से उनकी फंक्शनिंग है, वो सब चीज़ें पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन। इन जनरल द माइक्रो प्रोसेसर एग्जीक्यूट्स द इंस्ट्रक्शंस इन ए सीक्वेंस टू कंप्लीट द स्पेसिफिक टास्क। समटाइम्स इट इज नीडेड टू ब्रेक द सीक्वेंस ऑफ प्रोग्राम ऑन डिमांड ऑफ एक्सटर्नल डिवाइस। This can be achieved by interrupt signal. The interrupt is defined as a signal which is generated by peripheral to break the sequence of the main program and program execution jumps to a pre-specified memory location. इंटरप्ट क्या कह रहा है, एक सिग्नल है जो जनरेट हो रहा है किसके द्वारा, पेरिफेरल। जब भी इंटरफेसिंग कर रहे हैं हम पेरिफेरल की, उसके द्वारा जनरेटेड है और वो ब्रेक करता है सीक्वेंस को, सीक्वेंस ऑफ द मेन प्रोग्राम, मेन प्रोग्राम के सीक्वेंस को ब्रेक कर देगा और प्रोग्राम एग्जीक्यूशन जंप्स टू द प्री स्पेसिफाइड मेमोरी लोकेशन पर जाकर रुक जाएगा। ए सब रूटीन इज रिटर्न एज एट द प्री डिफाइंड मेमोरी लोकेशन टू कंप्लीट द टास्क प्रोवाइडेड फॉर द पेरिफेरल। दिस सब रूटीन इज नेम्ड एज द इंटरप्ट सर्विस रूटीन ISR। इंटरप्ट सर्विस रूटीन इज सिमिलर टू सब रूटीन डिस्कस इन प्रीवियस चैप्टर विद द डिफरेंस डैट सब रूटीन इज कॉल्ड बाई द कॉल इंस्ट्रक्शन एंड दिस इज नॉन टू द प्रोग्रामर डैट एट वाट टाइम द सब रूटीन इज टू बी कॉल्ड, बट इंटरप्ट सर्विस रूटीन इज कॉल्ड इन रेस्पॉन्स ऑफ इंटरप्ट सिग्नल एंड दस इट इज नॉट नोन बाई द प्रोग्रामर एट वाट टाइम इट इज टू बी कॉल्ड। If more than one peripheral are connected to a microprocessor system, any one of them may demand service at any time. The one way to provide service to all peripheral is that microprocessor continuously check all the peripheral one by one. If any peripheral wants the service, it will provide, otherwise check for the next peripheral. This is known by the polling check. Otherwise, other way allow microprocessor to execute the main program. And the peripheral which wants the service generate a signal to break the execution of the main program. In response to this signal, microprocessor provides the service to that peripheral. This is known as the interrupt check. यहाँ पर क्या हो रहा है, इंटरप्ट के बारे में बातें हो रही है। इंटरप्ट क्या है, इंटरप्ट के बारे में ये कहा कि इंटरप्ट एक ऐसा सिग्नल है जो पेरिफेरल के द्वारा जनरेटेड है और वो ब्रेक कर रहा है सीक्वेंस किसका, मेन प्रोग्राम का, और मेन प्रोग्राम के सीक्वेंस को ब्रेक कर देता है और प्रोग्राम एग्जीक्यूशन जंप जो हो जाता है वो प्री स्पेसिफाइड मेमोरी लोकेशन पर पहुंच जाएगा, कॉपी हो जाता है मतलब वहाँ पर। अब सब रूटीन भी यही कर रहा है, सब रूटीन क्या है, सब रूटीन में भी यही है, सब रूटीन इज रिटर्न एज प्री डिफाइंड मेमोरी लोकेशन टू कंप्लीट द टास्क प्रोवाइडेड बाय द माय पेरिफेरल। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, डिफरेंस क्या है दोनों में, डिफरेंस ये है कि इंटरप्ट सर्विस रूटीन ये तो सब जो है इंटरप्ट सर्विस सब रूटीन कहलाता है तो ISR और वो सब रूटीन है। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि सब रूटीन तो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ लिया था, सब रूटीन तो जब मेन प्रोग्राम में आपका कॉल होगा, कॉल सब रूटीन को कॉल करेगा, कौन करेगा, प्रोग्रामर करेगा, तो उसको बताएगा कि कहाँ पर कॉल करनी है। और ISR में क्या है, इंटरप्ट्स में क्या है, इंटरप्ट्स में पता नहीं होता प्रोग्रामर को कि कब आ जाए वो इंटरप्ट, इंटरप्ट नाम ही इंटरप्ट है उसका, तो वो कभी भी आ सकता है। अब जब आपके पेरिफेरल एक से जाते हैं वहाँ पर कनेक्टेड है तो उनमें से ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी डिमांड कर सकता है किसी भी टाइम पर कोई भी पेरिफेरल इंटरप्ट सर्विस रूटीन की, तो माइक्रोप्रोसेसर क्या करता है, बार बार जो है चेक करता रहता है कि जो जिसको सर्विस रिक्वायर्ड है उसके लिए वो करता रहता है, ये आपकी पोलिंग चेक कहलाता है। और बाकी जो है रेस्पॉन्स टू द सिग्नल माइक्रोप्रोसेसर वो देगा तुरंत, तो वो बार बार जो है चेक करता रहता है बीच बीच में माइक्रोप्रोसेसर हर एक पेरिफेरल के साथ में कि किसको सर्विस की रिक्वायरमेंट है एग्जीक्यूशन ऑफ मेन प्रोग्राम। क्लासरूम एनालॉजी टू इंटरप्ट, एक क्लासरूम की एनालॉजी है, एन एनालॉजी टू द इंटरप्ट कॉन्सेप्ट इन द क्लासरूम वेयर द प्रोफेसर विल सर्व एज द माइक्रोप्रोसेसर एंड द स्टूडेंट एज द पेरिफेरल। जैसे क्लास के अंदर प्रोफेसर जो है वो तो माइक्रोप्रोसेसर है, स्टूडेंट पेरिफेरल है। क्लासरूम सिनेरियो फॉर दिस इंटरप्ट एनालॉजी विल बी एज फॉलोइंग स्टेप, कुछ इस तरीके से होंगे। प्रोफेसर इज बिजी इन राइटिंग ऑन द ब्लॉक बोर्ड ब्लैक बोर्ड एंड डिलीवरिंग हिज लेक्चर, ऑल द स्टूडेंट आर अलाउड टू आस्क क्वेरी। मतलब जो है प्रोफेसर पढ़ाने में बिजी है, ब्लैक बोर्ड पर पढ़ा रहा है, डिलीवर कर रहा है अपने लेक्चर को, सारे स्टूडेंट जो है अलाउ हैं क्वेरी करने के लिए, पेरिफेरल है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, आफ्टर राइटिंग वन लाइन ऑन ब्लैक बोर्ड द प्रोफेसर चेक इफ समवन वांट टू आस्क क्वेरी। अब वो प्रोफेसर चेक करता है, बीच में एक ब्रेक लेता है, गेटिंग मी ऑन नोट टाइप का कोई डायलॉग बोलेंगे या फिर मतलब जो वेट करेंगे कि कोई कुछ पूछ तो नहीं रहा है। तो द स्टूडेंट रेज्ड हिज हैंड व्हेन ही वांट टू आस्क ए क्वेश्चन, स्टूडेंट जो है अपना हाथ उठाएगा क्वेश्चन पूछने के लिए। द प्रोफेसर देन कंप्लीट हिज सेंटेंस, इंसर्ट ए बुक मार्क ऑन बुक एंड एक्नॉलेज स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट बाय सेइंग यस।
तो जो है वो कहेगा स्टूडेंट को रिक्वेस्ट भी भेजेगा यस आफ्टर एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम प्रोफेसर नो अदर स्टूडेंट इज अलाउड टू आस्क एनी अदर क्वेरी। जब एक स्टूडेंट मतलब एक्नॉलेजमेंट भेज दिया हाँ बेटा बताओ तो दूसरा स्टूडेंट उस टाइम पीरियड में दूसरी क्वेरी नहीं पूछेगा। नाउ स्टूडेंट आस्क द क्वेरी एंड प्रोफेसर रिप्लाई फॉर द क्वेरी। अब क्या करेगा भाई, पहले तो एक्नॉलेजमेंट भेज दिया प्रोफेसर ने यस बोल के, अब प्रोफेसर ने पूछा हाँ जी बताइए, उसने अपनी क्वेरी पूछी और वो उसका रिप्लाई देगा। प्रोफेसर मे और मे नॉट अलाउ टू अदर स्टूडेंट टू आस्क क्वेरी इन बिटवीन ऑफ हिज रिप्लाई बट ही हैज टू रिप्लाई इफ प्रिंसिपल कम्स इन क्लासरूम एंड आस्क समथिंग आफ्टर गिविंग रिप्लाई ऑल स्टूडेंट आर अलाउड टू आस्क क्वेरी। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि प्रोफेसर अलाउ करे ना करे दूसरे को क्वेरी पूछने के लिए उसके बिटवीन ऑफ हिज रिप्लाई जब वो रिप्लाई कर रहा है, बट ही हैज टू रिप्लाई इफ द प्रिंसिपल कम। अगर प्रिंसिपल क्लासरूम के अंदर आ गया तो वो बीच में इंटरप्ट हो गया और वो उसको रिप्लाई करेगा आस्क समथिंग एंड ऑल। द प्रोफेसर गो बैक टू द बुक एंड फाइंड द बुक मार्क एंड स्टार्ट राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड एंड डिलीवरिंग हिज लेक्चर, अपने लेक्चर को शुरू कर देगा। तब यहाँ पर क्या हुआ, इंटरप्ट प्रोसेस कैन बी डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ 7 स्टेप्स। फर्स्ट वन, द माइक्रोप्रोसेसर इज बिजी इन एक्जीक्यूटिंग द मेन प्रोग्राम यूजिंग द सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन इनेबल इंटरप्ट, ऑल पेरिफेरल्स आर अलाउड टू इंटरप्ट द माइक्रोप्रोसेसर। दूसरा आया, आफ्टर एग्जीक्यूशन इज मशीन साइकिल द माइक्रोप्रोसेसर चेक द INTR पिन। माइक्रोप्रोसेसर में जो पिन थी आपकी INTR इंटरप्ट रिक्वेस्ट पिन थी, तो हर एक मशीन साइकिल को एग्जीक्यूट करने के बाद माइक्रोप्रोसेसर उसको चेक करता है। पेरीफेरल जनरेट्स एंड इंटरप्ट सिग्नल एंड सेंड टू INTR पिन ऑफ माइक्रोप्रोसेसर व्हेन इट वांट्स द सर्विस फ्रॉम माइक्रोप्रोसेसर। जब भी किसी पेरीफेरल को सर्विस रिक्वायरमेंट है तो वो क्या करता है कि इंटरप्ट पिन पर जो है अपना एक सिग्नल सेंड करता है जब उसको सर्विस चाहिए। द माइक्रोप्रोसेसर कंप्लीट द एग्जीक्यूशन ऑफ करंट इंस्ट्रक्शन। अब माइक्रोप्रोसेसर कंप्लीट करेगा एग्जीक्यूशन, जो करंट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन चल रहा है। सेव द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ द मेन प्रोग्राम एंड सेंड एक्नॉलेजमेंट सिग्नल ऑन INTA पिन ऑफ द माइक्रोप्रोसेसर। तो माइक्रोप्रोसेसर क्या करेगा उस कंडीशन में, जैसे ही INTR पिन पर रिक्वेस्ट आएगी तो वो जो करंट टाइम पर आपकी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है उसको कंप्लीट एग्जीक्यूट करेगा, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के एड्रेस जो है मेन प्रोग्राम का उसको सेव करेगा और फिर एक्नॉलेजमेंट भेज देगा INTA पिन इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट पिन पर माइक्रोप्रोसेसर के। आफ्टर इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट सिग्नल INTA बार नो अदर इंटरप्ट रिक्वेस्ट इज एक्सेप्टेड। जैसे ही आपने एक्नॉलेजमेंट सिग्नल भेज दिया यस हाँ बेटा बताओ, तो उसके बाद में आप कोई दूसरी इंटरप्ट रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं होगी। द माइक्रोप्रोसेसर प्रोवाइड द सर्विस टू द पेरीफेरल। स्टेप नंबर 6, वाइल प्रोवाइडिंग द सर्विस टू द पेरीफेरल माइक्रोप्रोसेसर मे और मे नॉट रेस्पॉन्ड टू अदर इंटरप्ट रिक्वेस्ट फ्रॉम अदर पेरीफेरल। ये माइक्रोप्रोसेसर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो जब प्रोवाइड कर रहा है उसको कि वो अलाउ करे कि नहीं करे। देर इज वन इंटरप्ट ट्रैप डिस्कस्ड लेटर टू हूम माइक्रोप्रोसेसर हैज टू रेस्पॉन्ड आफ्टर प्रोवाइडिंग द सर्विस टू द पेरीफेरल माइक्रोप्रोसेसर इनेबल्स आर इंटरप्ट यूजिंग सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। एक इंटरप्ट ऐसी है ट्रैप जो सबकी मतलब जो सुप्रीम पावर है, तो ट्रैप अगर आ गया तो माइक्रोप्रोसेसर को भी रेस्पॉन्ड करना पड़ेगा। After providing the service to the peripheral, microprocessor enable all interrupt using software instruction के थ्रू जो भी है इंटरप्ट को वो क्या कर देता है, इनेबल कर देता है। लास्ट में द माइक्रोप्रोसेसर रिटर्न टू द मेन प्रोग्राम आफ्टर रिट्रीविंग द एड्रेस विच इज स्टोर्ड इन द स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 पे जब वो उसने इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट भेजा था उससे पहले ही उस एड्रेस को स्टोर किया था स्टेप नंबर 4 में, तो वो वहाँ पर मेन प्रोग्राम आपका वापस चला जाएगा। नाउ वी विल डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरप्ट। क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरप्ट सिंपली टू आर टू टाइप्स, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट एंड द हार्डवेयर इंटरप्ट। और इंटरप्ट सिग्नल इज जनरेटेड बाय पेरीफेरल माइक्रोप्रोसेसर कैन रेस्पॉन्ड और डिस्कार्ड द रिक्वेस्ट एज पर द प्रायोरिटी बिटवीन करंट गोइंग ऑपरेशन एंड रिक्वेस्टिंग ऑपरेशन। द 8085 इंटरप्ट कैन बी क्लासिफाइड इन टू टू कैटेगरी। फर्स्ट वन इज द सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। सॉफ्टवेयर इंटरप्ट में क्या है, जो आपकी सॉफ्टवेयर के थ्रू जो जनरेटेड हैं द इंटरप्ट कॉज्ड बाय एग्जीक्यूटिंग स्पेशल इंटरप्ट इंस्ट्रक्शंस कॉल्ड सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शंस। आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दीज इंस्ट्रक्शंस माइक्रोप्रोसेसर कंप्लीट द एग्जीक्यूशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन इट इज करंटली एग्जीक्यूटिंग एंड ट्रांसफर्स द प्रोग्राम कंट्रोल टू द सब रूटीन प्रोग्राम। आफ्टर कंप्लीटिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ सब रूटीन द प्रोग्राम कंट्रोल रिटर्न टू द मेन प्रोग्राम। The 8085 microprocessor instruction set includes 8 RST restart instructions
these instructions are executed in a similar way to that of call instructions. Call instruction ki tarah kaam kar rahi hai. Whenever RST instruction is executed, the address in the program counter is stored in the stack before the program execution is transferred to the RST call location. वो पहले क्या करेगा, प्रोग्राम काउंटर में एड्रेस को स्टोर कर देगा. व्हेन प्रोग्राम एनकाउंटर द आरईटी इंस्ट्रक्शन इन इंटरप्ट सर्विस रूटीन द प्रोग्राम कंट्रोल रिटर्न बैक टू द मेन प्रोग्राम द रिटर्निंग एड्रेस इज रिस्टोर्ड फ्रॉम द स्टैक. स्टैक से जो है वो फिर रिटर्निंग एड्रेस चेक करेगा. फंडामेंटल डिफरेंस क्या है कॉल और आरएसटी इंस्ट्रक्शंस में वो बता देते हैं. कॉल इंस्ट्रक्शन स्पेसिफाई द एड्रेस कॉल 7050 वेयर एज आरएसटी इंस्ट्रक्शन द लोकेशन आर प्री डिफाइंड ऑन पेज 00 ऑफ द मेमोरी. कॉल इंस्ट्रक्शन में जो है आप स्पेसिफाई कर रहे हो एड्रेस को, एक पर्टिकुलर एड्रेस पर कॉल होगा. RST में यह आपका प्री डिफाइंड है, पेज 00H मेमोरी पे जाएगा. द एग्जीक्यूशन ऑफ कॉल इंस्ट्रक्शन इज डिसाइडेड बाय द प्रोग्रामर बाय राइटिंग द इंस्ट्रक्शन इन प्रोग्राम. वो प्रोग्रामर डिसाइड करता है कॉल इंस्ट्रक्शन कहाँ लगानी कब लगानी. वेयर इज द एग्जीक्यूशन और RST इंस्ट्रक्शन आर डिसाइडेड बाय द पेरिफेरल बाय इंसर्टिंग द हैक्स कोड फॉर RST इंस्ट्रक्शन इनटू द डाटा बस. डाटा बस में उसका RST इंस्ट्रक्शन का हैक्स कोड लगाएगा और वो कभी भी एग्जीक्यूट हो जाएगा. तो यहाँ पर जो है RST इंस्ट्रक्शन से बहुत सारी वो उनके जो है कोड इन बाइनरी एज वेल एज इन द हेक्साडेसिमल एंड देयर कॉल लोकेशंस आर शोन इन दिस रीस्टार्ट इंस्ट्रक्शन से. RST 0 1 2 3 4 5 6 7 तक होती हैं आपकी RST. तो इसमें आपका D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 ये कुछ आपकी डाटा बाइट, ये इसकी बाइनरी कोड है, ये इसका हैक्स कोड है, ये इसका कॉलिंग एड्रेस है. तो इसमें सबसे पहले जो देखने की ज़रूरत है वो ये गौर से देखो. इसमें अगर गौर से देखोगे D0 D1 D2 ये सारी पिन सब में 1111 है. याद करने का तरीका D6 D7 ये भी सारी 1111 रहेंगी, हमेशा फिक्स रहेंगी. और D3 D4 D5 जो है इसमें 0000001 मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से इसमें आ जाएगा. अब ये जो 6 एंड 7 तक पहुँचे हम, ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा. बड़ा सिंपल सा तरीका है कि D3, D4, D5 बीच की जो तीन पिन है, मतलब इधर D0, D1, D2 और इधर से दो पिन छोड़ेंगे, तो D3, D4, D5 जो बिट हैं उसमें जो भी यहाँ पर RST2 लिखा हुआ है तो 0 1 2 इसके कोरस्पॉन्डिंगली बाइनरी कोड लिख देंगे. ये रजिस्टर इंस्ट्रक्शन का बाइनरी कोड है. अगर बाइनरी कोड पता है तो आप जो है हैक्स कोड भी लिख दोगे. हैक्स कोड कैसे लिखोगे, ये 4 बिट और ये 4 बिट ऐसे लिखते ना. फिर यहाँ पर क्या आएगा, ये सी, ये आएगा क्या 1111F हो जाएगा. यहाँ पर ये क्या आएगा 1101D होगा, 011117 होगा. फिर क्या आया 1101D होगा, 1111 फिर F हो जाएगा. इसी तरीके से ये DE7EF F7FF. अगर आप इसको भी गौर से देखो, ABC AB छोड़ दो तो दो तो C D E और F रहेगा. और यहाँ पर पहले 7 दूसरे में F7F7F7F. बड़ा सिंपल सा तरीका है हैक्स कोड और बाइनरी कोड याद करने का. कॉल लोकेशंस में उसने क्या कहा, कॉल लोकेशन में कह रहा 0000008 फिर 00010 0018 00020 फिर 0028 0030 और 0038. अगर गौर से देखो पहले 0 आएगा फिर 8 आएगा, 8 जोड़ दिए, 8 में 2 जोड़ दो 10, फिर 8 जोड़ दो 18, फिर 2 जोड़ दो 20, 20 में फिर 8 जोड़ दो, फिर 2 जोड़ दो फिर 8 जोड़ दो. बड़ा सिंपल सा तरीका है कि पहले 0 में पहले 8 जुड़ेंगे, फिर उसमें जो है आपका 2 जुड़ेगा नेक्स्ट वाली में, फिर उससे अगली में फिर 2 जुड़ेगा. तो इस तरीके से आप जो है कॉल लोकेशंस के एड्रेस भी याद कर सकते हो. ये टेबल आपको काम आएगी जब प्रोग्रामिंग अगर करनी पड़ रही है कहीं पर, वहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ेगी. तो द 8085 माइक्रोप्रोसेसर हैज 8 सॉफ्टवेयर पिन फ्रॉम RST0 टू RST7. द हैक्स कोड फॉर देम इज डिपेंडिंग ऑन द बिट्स D3, D4, D5. ऑल अदर बिट्स आर ऑलवेज सेट. द हैक्स कोड फॉर दीज इंटरप्ट कैन बी कैलकुलेटेड बाय राइटिंग बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ इंटरप्ट नंबर इन दीज 3 बिट्स. इन द सिमिलर मैनर द वेक्टर एड्रेस फॉर दीज इंटरप्ट कैन बी कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग इंटरप्ट नंबर विद 8. ध्यान से सुनना, ये क्या कह रहा है, वेक्टर एड्रेस फॉर दीज इंटरप्ट कैन बी कैलकुलेटेड. जो वेक्टर एड्रेस है इनका वो कैलकुलेट कर सकते हैं मल्टीप्लाइंग इंटरप्ट नंबर विद 8. जो मैंने अभी आपको बताया था ना, यहाँ पर ये वाला नंबर मैंने क्या बताया कि 0 फिर 8 जोड़ दो फिर 2 जोड़ दो. बेसिकली ये 8 आ कहाँ से रहा है, इसमें मल्टीप्लाई कर दो. 0 में 8 का मल्टीप्लाई 0, इसमें 8 का मल्टीप्लाई 8, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 8 दूनी 16, 16 को क्या लिखोगे आप 10 लिखोगे.
ठीक है ना, कन्वर्ट कर दिया हेक्साडेसिमल में, 3 × 8 = 24, 24 को लिखोगे 18, फिर 4 × 8 = 32, 32 डेसिमल में आ रहा है, डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, 5 × 48 इसको इसमें करोगे, 8 × 48 इसको इसमें करोगे, 7 × 8 = 56, 38, तो इस तरीके से इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। क्वेश्चन बहुत बनते हैं यहाँ पर, डिटरमाइन द हैक्स कोड एंड वेक्टर एड्रेस फॉर द सॉफ्टवेयर इंटरप्ट इन RST5। RST5 के लिए ये कह रहा है हैक्स कोड बताओ इसका क्या है और वेक्टर एड्रेस बताओ, तो हैक्स कोड बता दो कि D0, D1, D2, D3, D4, D5 पिन पे जो है 5 का क्या होगा 101, 101, बाकी 111 सेट है आपकी। तो यहाँ पर देख लो ये कंप्लीट क्या आया, ये ई आया और ये आपका एफ आया, तो ई एफ एच तो इसका हैक्स कोड हो गया, और वैक्टर एड्रेस क्या होगा 5 × 48, 40 को क्या लिखोगे 0028, ठीक है ना। हार्डवेयर रिक्वायरमेंट, द एग्जीक्यूशन ऑफ RST इंस्ट्रक्शन आर डिसाइडेड बाय द पेरिफेरल थ्रू इंसर्टिंग द हैक्स कोड इनटू द डाटा बस, द हैक्स कोड ऑफ RST इंस्ट्रक्शन इज इंसर्टेड विद द हेल्प ऑफ ए ट्राई स्टेट बफर, एडिशनल हार्डवेयर सर्किट टू इंप्लीमेंट द इंस्ट्रक्शन RST5 इज शोन इन द फिगर 8.1। 8.1 में जो है यहाँ पर जो है ये शो कर रखा है इसने कि कैसे कैसे रिक्वायरमेंट है हार्डवेयर सर्किट की, ठीक है। ये एक ऑक्टल बफर है जिसमें जो है ये एड्रेस बस यहाँ पर कनेक्ट कर दी, और ये इनेबल 1 और 19 पिन पर जो है इसको INTA जो एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, ये आपका मतलब एड्रेस बस से कनेक्ट होगा जहाँ पर डाटा बस ये EF जो आपका डाटा इधर से उधर ट्रांसफ़र हो रहा है, और ये इंटरप्ट में वेन एवर माइक्रोप्रोसेसर सेंड इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट टू पेरिफेरल इट एक्टिवेट द ट्राई स्टेट बफर, ट्राई स्टेट बफर जो होगा वो एक्टिवेट हो जाएगा, द डाटा ई एच एट द इनपुट गोज टू द आउटपुट ऑफ तो एंड एंटर इन टू द डाटा बस, तो वो तुरंत जो है डाटा बस में चला जाएगा। टाइमिंग डायग्राम अगर बनाना पड़ जाए तो टाइमिंग डायग्राम बनाने के लिए वही है मशीन साइकिल M1, M2, M3 रिस्टार्ट के लिए 3 रिक्वायरमेंट होंगी, और इसमें ये जो होगी M1 ये 6 से उसकी टी स्टेट होंगी, इसकी 3 टी स्टेट होंगी, इसकी भी 3 टी स्टेट होंगी, एड्रेस बस में जो है आपकी T1, T2, T3 पर रहेगा, यहाँ पर ये अनस्पेसिफाइड रहेगा, फिर T1, T2, T3 पर रहेगा, फिर T1, T2, T3 पर रहेगा। इसी तरीके से जो लोअर एड्रेस बस होगी वो T1 पर रहेगी, और उसके बाद नहीं रहेगी, यहाँ पर T1 पर लोअर एड्रेस बस, T1 पर एड्रेस बस, बाकी T2, T3 पर जो है आपकी डाटा बस रहेगी, ठीक है। ALE T1 पर हाई होगी, बाकी रिमेनिंग आपका लो रहेगा, फिर T1 पर हाई हो जाएगी, T2, T3 लो रहेगी, T1 पर हाई रहेगी, फिर लो रहेगी। INTR के लिए यहाँ पर एक बनाया है ट्राई स्टेट करके, ये कुछ इस तरीके से बनाने की कोशिश की, सीधी सीधी लाइन आएगी, इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट जब आएगा ये यहाँ पर जब ये ट्राई स्टेट उसमें होगा, ठीक है। इनपुट आउटपुट स्टेटस सिग्नल आपको पता ही है कैसे करना है, रीड बार इसमें कहीं रीड हो नहीं रहा, डाटा राइट राइट हो रहा, डाटा राइट यहाँ पर हो रहा और डाटा राइट यहाँ पर हो रहा, तो ये RST इंस्ट्रक्शन का वो हो गया। द RST इंस्ट्रक्शन आर एग्जीक्यूटेड इन ए सिमिलर वे टू डेट ऑफ द कॉल इंस्ट्रक्शन विद 1 byte लेंथ, सिंस RST इंस्ट्रक्शन हैव 1 byte लेंथ, द रीड साइकिल हैज ओनली 1 machine cycle, दैट इज ऑपकोड फैच। आफ्टर रीडिंग द RST इंस्ट्रक्शन माइक्रोप्रोसेसर स्टोर द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इन टू द स्टैक, स्टैक में जो एड्रेस करना है, दिस इज द मेमोरी रिलेटेड राइटिंग ऑपरेशन, मेमोरी राइट करनी है, देयर फॉर टू मेमोरी राइट मशीन साइकिल आर रिक्वायर्ड, फिगर 8.0 शोस द टाइमिंग डायग्राम ऑफ एनी RST इंस्ट्रक्शन, दिस इंक्लूड ऑपकोड फैच एंड टू मेमोरी राइट मशीन साइकिल। हार्डवेयर इंटरप्ट क्या होती है, हार्डवेयर इंटरप्ट में कह रहा है द टाइप्स ऑफ इंटरप्ट वेयर माइक्रोप्रोसेसर पिन्स आर यूज टू रिसीव इंटरप्ट रिक्वेस्ट आर कॉल्ड हार्डवेयर इंटरप्ट, हार्डवेयर के थ्रू जो भी आ रही, तो 8085 है वो 5 पिन्स फॉर रिसीविंग एक्सटर्नल इंटरप्ट सिग्नल, दीज पिन्स आर नेम्ड एज ट्रैप TRAP, RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5 एंड द इंटरप्ट INTR। हार्डवेयर इंटरप्ट्स कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इन डिफरेंट कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट क्राइटेरिया लाइक एज द वेक्टर्ड एंड नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट, मास्केबल एंड नॉन मास्केबल इंटरप्ट। फर्स्ट वन इज द वेक्टर्ड एंड नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है पूरा इंटरप्ट का, यहाँ पर जो है क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, व्हाट इज वेक्टर्ड एंड नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट। Whenever a peripheral interrupt the microprocessor breaks the sequence of main program. Whenever a peripheral interrupt the microprocessor breaks the sequence of main program and program control to jump to the pre-specified memory location. The pre-specified memory location is the starting address of the ISR. The predefined address of memory is known as the vector address. The predefined address है memory का, वो आपका vector address है. Such interrupt are known as the vectored interrupt. इस तरीके की जो interrupt हैं वो आपकी vectored interrupt हैं. Sorry.
all those interrupts for which vector location is not predetermined, जिसमें vector location is not predetermined or is determined by some additional external means are known as the non-vector interrupt. Out of 5 hardware interrupt, only one INTR is the non-vector interrupt. याद करने के लिए सिर्फ एक INTR जो है वो non-vector है, other remaining 4 are the vector interrupt. तो the vector location for vector interrupt and service routine for non-vector interrupt as shown in the below figure. यहाँ पर जो है आपकी ये पांच इंटरप्ट हैं, ट्रैप, आरएसटी 5.5, 6.5, 7.5, ये आपकी वेक्टर्ड है, ये आपकी नॉन वेक्टर्ड है. तो इनकी वेक्टर लोकेशन है 0024 दी हुई है, 0026, 0034, 0036. आईएनटीआर की क्या होगी, वही आपकी सब रूटीन लोकेशन है 000 से लेकर के 003H तक जो आपके वहाँ पर थे. The subroutine location for INTR interrupt is determined by externally connected hardware and this location can be one of 8 location as shown in the above table 8.2. Maskable and non-maskable interrupt. Maskable interrupt are the interrupt those can be ignored by the microprocessor. Maskable interrupt वो हैं जो microprocessor ignore कर सकता है. Maskable interrupt can be enabled and disabled under program control. Whenever these interrupts are masked using appropriate technique, the microprocessor does not respond to the respective interrupt request signal and continuously execute the main program. कुछ ऐसी maskable interrupt होती हैं जिसमें जो है microprocessor ध्यान नहीं देता और वो अपना काम करता रहेगा, और even क्या है कि respective interrupt request signal आता है तो उसका कोई भी respond भी नहीं करता microprocessor. The interrupt which cannot be masked under software control are called non-maskable. Which cannot be masked under software control, वो non-maskable interrupt होंगी. TRAP is only non-maskable interrupt of 8085 microprocessor. This interrupt is used for critical events such as the power failure and emergency shutoff. The maskable and non-maskable hardware interrupt are the same. TRAP एक ऐसी instruction है जो non-maskable है और इसकी हमेशा critical events होते हैं, power failure हो गया, कुछ shutoff हो गया, emergency, तब इसका यूज होता है. तो प्रायोरिटी वैसे जो मैं माइक्रोप्रोसेसर में इंटरप्ट किए हैं, ट्रैप की फर्स्ट है, आरएसटी 7.5 की सेकंड है, 6.5 की थर्ड है, 5.5 की फोर है, आईएनटीआर की फाइव है. तो ये नॉन मास्केबल है और बाकी की बाकी हमारी क्या है, मास्केबल है. वेक्टर्ड में जब बात कर रहे थे तो आईएनटीआर नॉन वेक्टर, बाकी वेक्टर थी आपकी. अब इंटरप्ट स्ट्रक्चर्स हैं, इंटरप्ट स्ट्रक्चर्स के बारे में थोड़ा सा हम जो है यहाँ पर पढ़ेंगे. इंटरप्ट स्ट्रक्चर के बारे में जब पढ़ेंगे तो 8085 माइक्रोप्रोसेसर हैज 5 इंटरप्ट, ट्रैप, आरएसटी 5, 7.5, 6.5, 5.5, आईएनटीआर. व्हेनेवर एनी इंटरप्ट पिन ऑफ माइक्रोप्रोसेसर एक्सेप्ट आईएनटीआर पिन इज एक्टिवेटेड बाय द पेरिफेरल, द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम जंप टू द प्री डिफाइंड मेमोरी लोकेशन. द प्री डिफाइंड मेमोरी लोकेशन इज द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द सर्विस रूटीन फॉर द रेस्पेक्टिव इंटरप्ट. इंटरप्ट स्ट्रक्चर इज शोन इन द बिलो फिगर. द 8085 माइक्रोप्रोसेसर व्हेन द लॉजिक सिग्नल इज अप्लाइड टू अ मास्केबल interrupt signal, the microprocessor is interrupted only if that particular interrupt is enabled. The figure 8.3 indicates that the 8085 microprocessor is designed to respond to the edge triggering, level triggering or both. ये यहाँ पर जो है कि स्ट्रक्चर बनाया गया है, ठीक है ना. तो उसमें जो है कुछ गेट्स के थ्रू यहाँ पर 7.5, 6.5, 5.5 और ट्रैप कुछ करके जो है यहाँ पर इंटरप्ट वगैरह जो है आपकी लगाई गई है. इंटरप्ट इनेबल पिन लगाई गई है, आईएनटीआर भी लगाया गया है, और ये यहाँ पर जो है आपके एड्रेस यहाँ पर दिखा दिए गए हैं कि कैसे कैसे ये आपका इंटरप्ट का स्ट्रक्चर है. ट्रैप्ड इंटरप्ट, ट्रैप इज ए नॉन मास्केबल इंटरप्ट. दिस इज ऑल्सो नोन एज द NMI. It is unaffected by any mask or interrupt enable. The trap is both positive edge and level triggered interrupt. It has highest priority among all the interrupt. Now, trap is both edge and level triggered interrupt. It has highest priority among all the interrupts. When trap signal is recognized by the microprocessor, the interrupt acknowledgement signal INTA is sent to the peripheral. The microprocessor completes the current execution and pushes the address of the next instruction of the main program into the stack. स्टैक में नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को वो करेगा. नाउ प्रोग्राम काउंटर इज लोडेड विद द फिक्स्ड वेक्टर एड्रेस 0024H. द माइक्रोप्रोसेसर नाउ स्टार्ट एग्जीक्यूशन फ्रॉम मेमोरी लोकेशन 0024 विच इज स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द सर्विस रूटीन कॉरस्पॉन्डिंगली ट्रैप इंटरप्ट.
RST 5.5 एंड 6.5 क्या है, दोनों के दोनों ये जो ऊपर प्रोग्राम का स्ट्रक्चर था इंटरप्ट इंटरस्ट्रक्चर उसका एक्सप्लेनेशन है। द हार्डवेयर इंटरप्ट 5.5 और 6.5 आर लेवल ट्रिगर्ड सिग्नल्स हैं, दोनों के दोनों बोथ आर द मास्केबल इंटरप्ट, इट मीन्स दिस कैन बी इग्नोर्ड बाय द माइक्रोप्रोसेसर इफ मास्क्ड, वंस द 8085 माइक्रोप्रोसेसर एक्सेप्ट द इंटरप्ट RST 5.5 और RST 6.5 it generates the acknowledgement signal and send it to the peripheral. The microprocessor complete the current execution, pushes the address of the next instruction into the stack, load the program counter with corresponding vector address. The vector address 5.5002C and the RST 6.5 is 0034H. 7.5. The RST 7.5 is a positive edge triggered interrupt. It is maskable interrupt and can be masked through appropriate software and hardware technique. The vector address corresponding to the interrupt RST 7.5 is 0033H. Whenever the interrupt RST 7.5 is recognized, microprocessor send acknowledgement to the peripheral, store the address of next instruction into the stack and jump to the vector address 0033H by loading the program counter. Same जो ऊपर बोल रहा है सारे एक्सप्लेनेशन सेम है ये वाले INTR रिक्वेस्ट वाला। इट इज ए नॉन वेक्टर मास्केबल इंटरप्ट, इट हैज लोवेस्ट प्रायोरिटी अमंग ऑल द हार्डवेयर इंटरप्ट, इंटरप्ट रिक्वेस्ट इज ए लेवल ट्रिगर्ड इंटरप्ट, सिंस इट इज ए नॉन वेक्टर इंटरप्ट एडिशनल हार्डवेयर इज रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द एड्रेस ऑफ इंटरप्ट सर्विस रूटीन, इन रेस्पॉन्स टू इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट सिग्नल द एडिशनल हार्डवेयर प्लेसेज एन इंस्ट्रक्शन ऑफ कोड ऑन द डाटा बस। After receiving the instruction opcode, the 8085 microprocessor stores the address of next instruction into the stack and execute received instruction. ठीक है भाई, तो यहाँ पर आया, फिर ये आता है इंटरप्ट के बाद में, यहाँ पर सिम सेट इंटरप्ट मास्क। एज द नेम सजेस्ट दिस इंस्ट्रक्शन इज यूज टू सेट द इंटरप्ट मास्क, ये किसी भी इंटरप्ट मास्क के लिए यूज होता है। दिस इज वन बाइट इंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेट ऑन द डाटा स्टोर्ड इन द एक्यूमुलेटर, दिस इज नेसेसरी टू लोड एप्रोप्रिएट कंटेंट इन द एक्यूमुलेटर बिफोर एग्जीक्यूशन ऑफ सिम इंस्ट्रक्शन। सिम इंस्ट्रक्शन का पैटर्न क्या है, पैटर्न कुछ इस तरीके से है। यहाँ पर देखो एम 5.5, एम 6.5, एम 7.5, एम एस सी आर 7.5 क्रॉस एच डी एस ओ डी। यहाँ पर क्या है, सीरियल आउटपुट कंट्रोल है, इंटरप्ट कंट्रोल लॉजिक है ये यहाँ पर सारे के सारे। अब सीरियल आउटपुट डाटा, यहाँ पर जो है सीरियल आउटपुट डाटा है, एच डी ई क्या है, सीरियल डाटा इनेबल पिन है। अगर वन है तो इनेबल है, जीरो है तो डिसेबल है, सिंपल सा फंडा। आर एस टी सेवन, ये आर 7.5 ये क्या है, रीसेट कर रहा है आर एस टी 7.5 को, RST 7.5 को रीसेट कर रहा, R से रीसेट बना, R से ही RST बना 7.5 की पिन को। यहाँ पर मास्क हो रहा है, मास्किंग हो रही है इफ़ इनेबल्ड, अगर इनेबल्ड है तो मास्किंग होगी, अदरवाइज नहीं होगी। अब मास्किंग होगी, इनेबल्ड है, इनेबल्ड का होगा वन है तो इनेबल्ड, जीरो है तो डिसेबल्ड। यहाँ पर जो है ये वाला जो आया आपका M 6.5, इसमें अगर वन है तो मास्क, जीरो है तो अनमास्क, ये बिट पैटर्न। तो यही वाली चीज़ें यहाँ पर जो मास्क सेट इनेबल्ड एंड ऑल जो एक्सप्लेनेशन है बिट पैटर्न सिम का था। तो सिम के लिए जो है हम यूज करते हैं SIM, सेट इंटरप्ट मास्क, सेट रीसेट करते हैं कि 7.5, 6.5 और 5.5 को, RST 7.5 फ्लिप फ्लॉप को, इम्प्लीमेंटेशन सीरियल आउटपुट पे ऑपरेशन यहाँ पर हमारे परफॉर्म हो रहा है। क्वेश्चन है यहाँ पर, राइट द इंस्ट्रक्शन टू मास्क RST 7.5 एंड RST 6.5 इंटरप्ट वेयर एज RST 5.5 इंटरप्ट इज अवेलेबल। RST 5.5 अवेलेबल है और ये इसको क्या कह रहा, मास्क करने के लिए कह रहा है डिसेबल द सीरियल कम्युनिकेशन। यूजिंग द बिट पैटर्न ऑन इन द फिगर 8.4 फिगर हमारी है एंड द गिवन कंडीशन RST 7.5 मास्क और 6.5 मास्क, RST 5.5 मास्क, RST 5.5 अवेलेबल एंड सीरियल कम्युनिकेशन डिसेबल करना है। तो सीरियल कम्युनिकेशन डिसेबल करना है तो SOD जीरो कर दिया, ST SOD आउटपुट जीरो, ये जीरो, ये कुछ था ही नहीं। RST 7.5 में ये वाला क्या करना, मास्क करना, मास्क करना तो जीरो। अब MSE और ये वाली आपकी M 0.5.5, 6.5, M 7.5 और MSE, ये आपकी बिट हो गई कॉरस्पॉन्डिंगली टू मास्क के, करना है आपको क्या क्या करना है, 5.5 और 6.5 और आपकी 7.5 को आपने क्या करना है, मास्क करना है।
दोबारा से देख लो इसका एक्सप्लेनेशन क्या था यहाँ पर, ये वाला। तो यहाँ पर जो था सेकंड फंक्शन, ये देखो MSC सेकंड फंक्शन इज सेट टू सेट रीसेट, ये आई गया था D4 बिट पर आपका, सेट रीसेट थर्ड फंक्शन, D6 फर्स्ट फंक्शन देखो, सेट टू रीसेट 5.5 6.5 7.5 को सेट रीसेट, दिस द इंस्ट्रक्शन, दिस इंस्ट्रक्शन रीड द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर एंड सेट आउट रीसेट इंटरप्ट अकॉर्डिंग टू द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर D0 D1 एंड D2 बिट जो है, इफ इट कंटेंट वन द कॉरस्पॉन्डिंग इंटरप्ट विल बी मास्क अदरवाइज अवेलेबल बिट D0 D1 D2 विल बी टेकन इन केस ओनली वैन MSE मास्क सेट इनेबल्ड बिट, अगर D3 इज सेट, अगर D3 सेट होगा इफ MSE बिट इज रीसेट इट विल नॉट चेक द मास्किंग बिट। तो MSE जो पिन होगी इसको अगर आप जो है मास्क एनेबल करोगे तो ये इन तीनों को सेट और रीसेट करेगा। मतलब कहने का ये है, अब यहाँ पर क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, ये RST 5.5 है, RST 6.5, RST 7.5 है, ठीक है ना, मास्किंग हो रही है तो वन कर दिया। अब क्या क्या कह रहा है वो, 7.5 को मास्क कर दो तो 7.5 मास्क हो गया, 6.5 को मास्क कर दो 6.5 मास्क हो गया, RST 5.5 अवेलेबल है एंड सीरियल कम्युनिकेशन, RST 5.5 इंटरप्ट इज अवेलेबल वेयर एच मास्क नहीं कर रहे तो जीरो हो गया, तो ये इसका एड्रेस हो गया। तो जब ये व्हेन दिस कमांड बाइट इज लोडेड इनटू द एक्यूमुलेटर एंड सिम इंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूटेड द डिजायर्ड फंक्शन इज ऑब्टेंड। तो यहाँ पर क्या करा, इनेबल इंटरप्ट किया पहले, तो एक्यूमुलेटर में 0E कर दिया और सेट रीसेट मास्क के कमांड जो है यहाँ पर कर दिया, तो जैसे ही 0E जाएगा तो वो सारे जो ऑपरेशंस थे सेट रीसेट के वो हो जाएंगे यहाँ पर। सो विच इंटरप्ट विल बी मास्क इफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन आर एग्जीक्यूटेड, अगर एक्यूमुलेटर में 10 आ जाए तो सिम में, और ये कौन सी मतलब जो है यहाँ पर क्या इंटरप्ट मास्क हो रही है, कैसे हो रही है, वो भी इसको एक्सप्लेन करना है। 10 When SIM instruction is executed, it set or reset the masking according to the content of accumulator. The data byte 10 is loaded to the accumulator. So SIM instruction will mask interrupt according to 10. 10 के according जो है वो mask करेगा। तो 10 मतलब 00001, ये तो 1 हो गया, फिर ये 0000 हो गया। तो ये 10 load किया आपने किस में, accumulator में। तो यहाँ पर ये इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब क्या क्या हो गया कि MSE बिट D3 जो बिट है वो रीसेट है, हैंस 5.5 6.5 7.5 आर इग्नोर्ड एंड रिमेन अनचेंज, ये तीनों के तीनों अनचेंज रहेंगे, ठीक है ना। ये RST 7.5 बिट D4 क्या है, सेट है विच विल रीसेट 7.5 इंटरप्ट फ्लिप फ्लॉप, ये वाला 1 है तो इंटरप्ट इसको क्या करेगा वो सेट और रीसेट करेगा। SDE बिट रीसेट है, एंड देयर विल बी नो सीरियल कम्युनिकेशन, तो SOD आपका क्या हो जाएगा, इग्नोर हो जाएगा। RIM रीड इंटरप्ट मास्क, रीड इंटरप्ट मास्क में क्या कह रहा, RIM इंस्ट्रक्शन इज यूज्ड टू रीड द स्टेटस ऑफ इंटरप्ट्स, दिस इज 1 byte इंस्ट्रक्शन एंड स्टोर द स्टेटस इन एक्यूमुलेटर, दस द स्टेटस ऑफ इंटरप्ट कैन बी चेक बाई एग्जामिन द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द RIM इंस्ट्रक्शन, द RIM इंस्ट्रक्शन बिट पैटर्न इज शोन इन द बिलो फिगर। यहाँ पर क्या हुआ, इंटरप्ट मास्क, पेंडिंग इंटरप्ट और सीरियल इनपुट, तो सीरियल इनपुट डाटा SID है आपका, यहाँ पर देखो 5.5 6.5 और 7.5 6.5, ये तीनों के तीनों जो इंस्ट्रक्शन है, अगर 1 है तो मास्क होगा और 0 है तो अनमास्क होंगी। IE इंटरप्ट इनेबल फ्लैग है, 1 पे जो है इनेबल होगा, 0 पर डिसेबल होगा, और ये 15.5 15.5 16.5 17.5 ये पेंडिंग इंटरप्ट्स हैं, अगर यहाँ पर 1 है तो पेंडिंग है अदरवाइज अवेलेबल है। RIM इंस्ट्रक्शन कैन बी यूज फॉलोइंग फंक्शंस, रीड द इंस्ट्रक्शंस मास्क स्टेटस वेदर मास्क और अवेलेबल एंड लोड इट इनटू द एक्यूमुलेटर, identify pending instructions since there are several interrupt pin in 8085 when one interrupt service is request is being served other interrupt request may occur and remain pending, these pending interrupts can be checked through RIM instruction, receive serial data where whenever RIM instruction is executed the data bit available at SID pin will be loaded to the D7 bit of the accumulator। तो ये आपका यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया, आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ RIM इंस्ट्रक्शन द एक्यूमुलेटर कंटेन 98, व्हाट इज हैपेंड बाय द रिजल्ट, इंटरप्रेटेड बाय द रिजल्ट 98 1001 9 हो गया, 1000 आपका 8 हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि RST 5.5 RST 6.5 RST 7.5 आर अनमास्क्ड और अवेलेबल,
अनमास्क्ड है मतलब अवेलेबल है. डी थ्री बिट इज सेट इट सो द इंटरप्ट इनेबल फ्लिप फ्लॉप इज इनेबल्ड है इनेबल इंटरप्ट. डी फोर बिट इज सेट डी फोर बिट इज सेट विच सो द आर एस टी 5.5 इज पेंडिंग. डी फाइव एंड डी सिक्स डी फाइव एंड डी सिक्स बिट्स आर रीसेट इट मीन्स आर एस टी 6.5 एंड आर एस टी 7.5 आर कंप्लीटेड एंड नॉट पेंडिंग. अगर ये सेट रीसेट है मतलब सेट है यहाँ पर वन है तो मतलब वो पेंडिंग है और जो अगर जीरो शो कर रहा है तो वो आपका क्या है नॉट पेंडिंग है. तो डी सेवन बिट आपकी क्या है सेट है इट मीन्स इट इज अवेलेबल फॉर द एस आई डी पिन अदरवाइज नॉट. यहाँ पर मैंने जो है बाई मिस्टेक जो है ये यहाँ पर जो इसमें प्रिंटेड है ये 15.5 16.5 नहीं है ये आई है आई 5.5 आई 6.5 आई 7.5 पेंडिंग इंटरप्ट हैं ये आई फोर इंटरप्ट सॉरी फॉर दिस. नेक्स्ट क्वेश्चन एज्यूमिंग द माइक्रोप्रोसेसर इज एग्जीक्यूटिंग ऑन आर एस टी 7.5 इंटरप्ट सर्विस रूटीन चेक टू सी इफ आर एस टी 5.5 इज पेंडिंग. If it is pending, enable RST 5.5 without affecting any other interrupt, otherwise return to the main program. So read RIM instruction, read the status of pending instruction and load to the accumulator by logically ending the content of the accumulator with 10. Status of 5.5 interrupt can be checked. So content of accumulator में क्या कह रहा है वो 10 का end कर दो इसमें. तो accumulator में 10 तो 00001 0000 आ गया. तो equals to क्या हुआ आई 5.5 आया यहाँ पर. इफ रिजल्ट एंडिंग इज नॉन जीरो द आर एस टी 5.5 इज पेंडिंग. अगर ये नॉन जीरो आता है एंड करने के बाद नॉन जीरो का मतलब कोई वन आता है तो यहाँ पर ये 5.5 होगा अदरवाइज नॉट पेंडिंग क्योंकि ये भी जीरो भाई आपको 5.5 को चेक करना था ना कि भाई पेंडिंग है कि नहीं है ये चेक करना है. तो ये चेक करने के लिए यहाँ पर वन और यहाँ पर जो है कुछ भी वैल्यू जो जीरो या वन जो भी रखोगे अगर वन आया तो ये पेंडिंग है अदरवाइज नहीं है. तो इफ इंटरप्ट आर एस टी 5.5 इज पेंडिंग वी रिक्वायर टू एनेबल द इंटरप्ट आर एस टी 5.5 विदाउट अफेक्टिंग द अदर इंटरप्ट. दिस कैन बी अचीव्ड बाय एग्जीक्यूटिंग सिम इंस्ट्रक्शन विद एप्रोप्रिएट कंटेंट इन द एक्युमुलेटर. द डिजायर्ड कंटेंट ऑफ एक्युमुलेटर फॉर सिम इंस्ट्रक्शंस आर एज फॉलोज. तो क्या होगा एम एस सी में ये वाला आपका जीरो एम ये आपका एम एस सी वन हो जाएगा बाकी में कोई चेंज नहीं होगा. ये आपका सिम इंस्ट्रक्शन में करोगे आप. तो रिम मूव एक्यूमुलेटर में का कंटेंट बी में मूव कर दिया एंड ऑपरेशन कर दिया. जे एन जेड पेंडिंग अगर वह है तो वहाँ पर मूव कर देगा अदरवाइज इंटरप्ट इनेबल इंटरप्ट करेगा रिटर्न मैन प्रोग्राम में जाएगा मूव ए कोमा बी बी का कंटेंट एम आ जाएगा. यहाँ पर क्या करा उसने इनेबल आर एस टी 5.5 को करने के लिए जीरो ई का एंड ऑपरेशन कर दिया और ऑपरेशन कर दिया 08 का सिम कर दिया और जंप 002 सी लोकेशन पर पहुँच गया. नेक्स्ट है आपका इंटरप्ट प्रोसेसिंग. द इंटरप्ट प्रोसेस अलाउ द माइक्रोप्रोसेसर टू रेस्पॉन्ड टू द डिफरेंट एक्सटर्नल रिक्वेस्ट फॉर अटेंशन और सर्विस ऑन इन डिमांड बेसिस एंड लीव द माइक्रोप्रोसेसर फ्री टू परफॉर्म अदर टास्क. द 8085 माइक्रोप्रोसेसर हैज 5 हार्डवेयर इंटरप्ट. द माइक्रोप्रोसेसर रेस्पॉन्ड टू द इंटरप्ट सिग्नल रिसीव्ड ऑन द पिन अकॉर्डिंग टू द कोरस्पॉन्डिंग इंटरप्ट. वही ट्रैप इंटरप्ट आर एस टी 7.5 एंड ऑल टाइप ऑफ इंटरप्ट. ट्रैप नॉन मास्केबल है वेक्टर इंटरप्ट है हाईएस्ट प्रायोरिटी है अमंग ऑल इंटरप्ट रिक्वेस्ट. फॉलोइंग स्टेप अकर फॉर द ट्रैप इंटरप्ट. फर्स्ट वन इज द ट्रैप इंटरप्ट सिग्नल इज सेंस्ड इफ इट इज चेंज्ड फ्रॉम लो टू हाई एंड रिमेन हाई एंटिल इट इज एक्नोलेज. ये हाई रहता है हमेशा जब तक कि एक्नोलेज ना हो जाए. माइक्रोप्रोसेसर कंप्लीट द करंट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन करेगा. एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेन प्रोग्राम काउंटर पोस्ट इन टू द स्टैक. प्रोग्राम काउंटर इज लोडेड विद द वेक्टर लोकेशन 0024 एंड माइक्रोप्रोसेसर स्टार्ट एग्जीक्यूशन ऑफ सर्विस रूटीन फॉर ट्रैप इंटरप्ट. इन द लास्ट सर्विस रूटीन इट हैज आरईटी इंस्ट्रक्शन एंड द रिटर्निंग एड्रेस इज रिट्रीव्ड फ्रॉम द स्टैक एंड प्रोग्राम कंट्रोल रिटर्न टू द मेन प्रोग्राम. ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं ये सारी चीज़ें. तो आर एस टी 7.5 इंटरप्ट एंड आर एस टी 6.5 एंड 5.5 इंटरप्ट आर देयर. तो यहाँ पर जो है लेवल ट्रिगर्ड एंड ऑल प्रोग्राम जब इंटरप्ट स्ट्रक्चर ऊपर हमने पढ़ा था वहाँ पर ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं. INTR इंटरप्ट इंटरप्ट एक्नोलेजमेंट वगैरह होगा यहाँ पर वही सारी चीज़ें रिपीट हो रही हैं यहाँ पर. RST इंस्ट्रक्शन एज ब्रेक पॉइंट ये देख लेते हैं एक बार. इसमें क्या कह रहा है RST इंस्ट्रक्शन इज इंसर्टेड बाय द एक्सटर्नल हार्डवेयर व्हेन
एन इंटरप्ट इज रिक्वेस्टेड टू आई एन टी आर, इंटरप्ट रिक्वेस्ट जब आएगी किसी पर, बट आर एस टी इंस्ट्रक्शन इज ए सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन एंड हैज इट्स हेक्स कोड। तो वहाँ पर तो क्या है कि आर एस टी इंस्ट्रक्शन इज इंसर्टेड बाई द एक्सटर्नल हार्डवेयर के थ्रू है, और जब एक इंटरप्ट रिक्वेस्ट होती है आई एन टी आर पर, तो आर एस टी इंस्ट्रक्शन इज ए सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन एंड हैज इट्स हेक्स कोड, देयर फॉर आर एस टी इंस्ट्रक्शन कैन बी यूज इन प्रोग्राम डायरेक्टली बाई राइटिंग ऑफ कोड ऑफ द आर एस टी इंस्ट्रक्शन। आर एस टी इंस्ट्रक्शन का जो ऑप कोड है उसको राइटिंग प्रोग्राम में डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। वेन एवर आर एस टी इंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूटेड द माइक्रोप्रोसेसर स्टोर्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एंड ट्रांसफर द प्रोग्राम कंट्रोल टू द प्री डिटरमाइंड लोकेशन। ए सर्विस रूटीन में बी स्टोर्ड एट द प्री डिटरमाइंड लोकेशन टू कम्प्लीट द स्पेसिफिक टास्क। ए ब्रेक पॉइंट इज एन इंस्ट्रक्शन वेयर द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम स्टॉप्स टेम्परेरीली। ए ब्रेक पॉइंट क्या है इंस्ट्रक्शन का, जहाँ पर एग्जीक्यूशन प्रोग्राम का स्टॉप हो गया टेम्परेरीली। दिस कैन बी अचीव्ड विद द हेल्प ऑफ आर एस टी इंस्ट्रक्शन, आर एस टी इंस्ट्रक्शन से हम कर सकते हैं। ए सर्विस रूटीन इज स्टोर्ड एट द प्री डिटरमाइंड आर एस टी लोकेशन, द सर्विस रूटीन अलाउड टू एग्जामिन रजिस्टर और मेमोरी कंटेंट वेन स्पेसिफाइड की आर प्रेस्ड, रीसेट कर रहे हैं बेसिकली। द आर एस टी इंस्ट्रक्शन कैन बी यूज एज ब्रेक पॉइंट एंड कॉरस्पॉन्डिंग सर्विस रूटीन एज नोन एज द ब्रेक पॉइंट रूटीन। After breakpoint routine, the program should return to executing the main program at the breakpoint. The breakpoint routine allow the user to test the program in small parts. For example, if RST1 is used as breakpoint, the breakpoint return routine is written at the memory location 00 8H. Whenever RST1 instruction is executed, the program control is transferred to the 00H. Now user is allowed to check the register or memory content. तो यहाँ पर जिससे उसको एक तरीके से जो है स्टॉप कर दिया, मेन प्रोग्राम को थोड़ी देर के लिए रीसेट कर दिया, और उसके बाद में जो है अगेन उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये आपका टोटल यहाँ पर इस लेक्चर में हमारा इंटरप्ट्स के बारे में था। अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी डायरेक्टली ऑन माई यूट्यूब चैनल, और यू कैन कॉन्टेक्ट माई कॉन्टेक्ट नंबर और ईमेल आई डी एज वेल एज।